जय हिंद आप सभी लोग को। अभी देखिए, यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर के चीज़ें चल के आ रही हैं, आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से मतलब बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं और ख़ास करके वैकेंसी की प्रक्रिया को लेकर के, कि आप एकदम उलझे हुए हैं। प्रक्रिया चलेगी कैसे, पेपर कब होगा, फार्म कब भरा जाएगा, उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ बातें कहेंगे, समझदारी पूर्वक, भरोसे के साथ। सबसे बड़ी बात है भरोसे के साथ, यकीन करिएगा। क्योंकि आप लोगों का एक है कि खूब इतनी वीडियो देखते हैं ना, कि हमेशा जो है कई तरह की सूचनाएं देख देख के अगर बोर हो चुके हों, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका हो, तो दो चार सूचनाएँ हैं स्पष्ट रूप से देंगे, यकीन करिएगा। पहली है क्या, पहली सूचना, SSC GG का ऑनलाइन अगर 24 नवंबर से होता है तो उससे पहले, ये सूचना पहले भी दे चुके हैं, यूपी पुलिस का फार्म ऑनलाइन 100% 24 नवंबर से पहले होगा। पहले तो ये आप अपने दिमाग में पूरे तरीके से फिट करिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 24 नवंबर से पहले यूपी पुलिस का ऑनलाइन होना तय है। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी देखिए तमाम लोग, जैसे कुछ पुलिस वाले भी हैं जो कि व्यू और सब्सक्राइब के लिए दिसंबर में पेपर बता रहे होंगे, तमाम लड़के फ़ोन कर रहे थे कि सर आप कह रहे थे इस हिसाब से पेपर, आप या तो जनवरी लास्ट टारगेट करिएगा या फरवरी लास्ट, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि अगर पेपर चुनाव से पहले, जो कि होने की संभावना 90% है, वो पेपर अगर होगा जनवरी लास्ट से पहले तो कोई चांस ही नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 26 जनवरी से पहले पेपर बिल्कुल नहीं होगा, जब भी होगा 26 जनवरी के बाद होगा। ये दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए पूरे तरीके से कि नहीं, 26 जनवरी से पेपर, उससे पहले जो है पुलिस का पेपर होना ही नहीं है, समझ रहे हैं। और अगर बात करें उम्र में छूट की, तो 18 से 23 हर हाल में जनरल की एज ली जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस हिसाब से आप जिस भी कास्ट में हैं, OBC हैं, SC या ST हैं, जनरल की 23+5 आपका जो भी है काउंट कर लीजिएगा। पूरे मन से तैयारी करिएगा। अगर आपके मन में जैसे एक भ्रम हो गया हो, कई चैनल बता दिए कि छूट नहीं मिलेगी, और कस स्टडी पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। ये आपके सपनों का लास्ट ईयर है, आप वैसे भी ओवर एज हो चुके हैं, एक साल छूट मिलना तय है, भरोसे के साथ आप तैयारी करिए। और रही बात जो है ये टेंडर कैसे है, जो फिजिकल वाले टेंडर, तमाम टेंडर आ रहे हैं, तो देखिए वैकेंसी का ऑनलाइन कराने से पहले हर प्रकार के टेंडर जारी करके शर्तें सुनिश्चित की जाती हैं, ताकि बाद में वो वैकेंसी फंसे ना। कहीं ऐसा हुआ कि एक दो शर्तें छूट गईं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। जो भी पुलिस भर्ती को लेकर के दो आमंत्रण पत्र, ये निविदा आप कह सकते हैं, आमंत्रित किए गए कंपनियों को, तो इन पर आप फोकस मत करिए। प्रक्रियाएँ हैं हर तरीके से, कितनी प्रक्रियाएं चलेंगी भर्ती में। अरे एक आपका मेडिकल फिजिकल वाला जारी हो गया, और दूसरा जो है जिस वैकेंसी, जिस कंपनी को पेपर कराना था, टेंडर लेना था, वो पहले ही जारी हो चुका है। तो अब बचा क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया बची है। अब समय की जो अवधि है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत कम समय देने वाली है, अपने आप पे भरोसा, अगर आप भरोसे के साथ तैयारी करेंगे तो ठीक है, नहीं SSC GD की तरह धोखा खाएंगे, और उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आप मन से इस समय नहीं पढ़े तो धोखा खाना तय है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।